देखो टुकू मामी है। चलो यहाँ रास्ता बंद हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन राधे राधे। आज हम जा रहे हैं नाया की एयर पेरिसिंग के लिए, कान छिदवाएंगे उसके, उसे लेके जा रहे हैं शाम को। देखो ये, और देखता है इस बार नाया रोती है नहीं रोती। बड़ी हिम्मत करके जा रही है वो। मम्मी कैमरा, मम्मी पहली बार मैं ट्राई कर रही हूं। हिम्मत रखना, हिम्मत है। रास्ता सारा बंद है, चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है, बारिश इतनी हो रही है। पापा अंदर आ जाओ, खोलो, खोला बे, ए डुगू कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ। अरे रुक जा, बोलने दो, कहाँ जा रहे हैं? दीदी के कान छिदवाने। किसके? दीदी के। गधी के? देखो गाइस कैसे बोल रहा है। दीदी के। हाँ समझदार है डुगू मेरा। मम्मी तुम कहाँ ब्लॉगिंग करने जा रहे हो? कुछ तो करना सीख ले, आप लोगों के साथ में रह रहे, कुछ तो करना सीख ले। कुछ नहीं तो हाथ में पकड़े ही रहेंगे। और क्या? और क्या इसने बोला है? क्या कहते हैं कि मेरे को सबसे ज्यादा बाबा प्यार करते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे में है डुगू। यहाँ हम लोग निकल गए हैं घर से अनाया की एयर पेरिसिंग के लिए, और ये देखो डुग्गू कैसे चिढ़ा रहा है उसे। वैसे ही आ नहीं रहा था डुग्गू, तो क्या कह रहा है, ये जा रही है कान छिदवाने पहली बार, और मैं जा रहा हूँ पहली बार किसी का कान छिदता है वो देखने के लिए। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं ज्वेलरी शॉप के पास, और यहाँ पर जाके छेदे जाएंगे अनाया के कान। Are you excited or nervous? Excited or nervous? ये अनाया के डैडू आ रहे हैं। देखो पीछे कह रहे थे तुम लोग जाओ, मैं कार में ही बैठा हूँ, क्योंकि कार खड़ी है रोड के साइड में। तो क्या हुआ, साइड में खड़ी है घर से, मैं आपको बता दूँ, ये रो के आए हैं अनाया को गले रख के, आंसू टपका रहे थे। मेरी बेटी के कान मतलब ईयर पेरिसिंग हो रही है, और आना नहीं चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं चलो अंदर जाके देखो, तब आए अंदर, नहीं तो कह रहे थे मैं तो गाड़ी में बैठा रहूँगा, तुम लोग जाओ। तो अभी क्या पहनेंगे? अभी नहीं पहनाएंगे, अभी जो पहनाएंगे दिखाना जरा। अरे डरना क्या, वो तो अरे कोई गरीब है जैसा ही है कहते। तो जो सोने नहीं पकते नहीं, अच्छा पकते नहीं है ऐसे, हाँ इससे चिदागे फिर हम दूसरा पहनाएंगे आपको, सोने पहना देंगे फिर पहना देंगे। देख के देख लेना कौन से, तुमने कही थी हमें वो करवा दो, देख के चूज करेंगे। ये भैया इसलिए बना रहे हैं, पता है ये इसलिए बना रहे भैया, ये कह रहे इसको बनाने के बाद दर्द नहीं होगा और पकेगा नहीं। वो तो पेन से कर रहे हैं बेटा, पेन से ऊपर ही भैया करना, ठीक है ऊपर जितना ऊपर कर दे आप, देख लो मम्मी बराबर है। नहीं ये देखो ये थोड़ा ऊपर है, ऊपर ही सही है, ऊपर ही सही है ना, तो सही लगा है ऊपर ही।
कुछ नहीं होगा। देखो पेन से कौन डर रहा है भैया? हाँ ये चार फिट है, ये पेन नहीं है बेटा। पापा ये कभी अलग का ले लो, पता नहीं। नहीं 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 पता है, देखो तन्वी ने छिदवाए थे, आद्या ने छिदवा लिए, तुम पीछे रह जाओगी, फिर चाचू की शादी में कैसे जाओगी? जाना है चाचू की शादी? नहीं नहीं, राजा रानी बन भैया, बस बस हो गया, दूसरे ले देंगे। कानू कुछ नहीं बेटा, रोते तुम, दो सेकंड में सही होता है, हिलाना मत बेटा, हिलाना मत कानू। गुदगुदी लगेगी, राजा रानी को पकड़ो अपने, बोला नहीं बिल्कुल, बोला नहीं बिल्कुल, हो गया हो गया, बहुत से मालूम ही नहीं पड़ा, हो गया मालूम ही नहीं पड़ा, हो गया हो गया हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा, बेटी हिम्मत ही हिम्मत ही है, वो हिम्मत है, वो हिम्मत है, चाल हो गया, हो गया खाना, हो गया बस, लास्ट हो गया, एक बार अभी देख लो, बाद में उछल उछल बात। अब नहीं होगा, हो गया बेटा, बहुत अभी रुको, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, कान इधर देख, अभी देखना ये दूसरा वाला कान दिखाओ, तीसरा वाला आप नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं, I'm sorry बात नहीं 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 कहाँ देखो नहीं 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 अब कान में पहनोगी, जब चाचू की शादी में जाओगी ना, तो चाचू शादी में इतने अच्छे स्ट्रॉप से पहन के जाएगी, कानू राधा बन के, राधा रानी टच कर दो, राधा रानी इधर अनाया के कान छिद गए हैं, रोई थोड़ा बहुत, वो एक्चुअली रोई को डर गई, उसे दर्द वर्द से नहीं रोई, कितना दर्द नहीं हुआ देख के डर गई, इसलिए वो रोई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अनाया के लिए इयरिंग्स, एक्चुअली अभी उसने नॉर्मल इयरिंग्स डाले हैं, कहा ये इयरिंग्स क्या कहते हैं हम उतार देंगे कुछ दिन में, और इस इयरिंग से जो धातु का बना होता है कान पकते नहीं है, तो अभी गोल्ड का मत बनाइए, गोल्ड से कान जल्दी पक जाते हैं। और यहाँ पे हम उसके लिए गोल्ड के देख रहे हैं, जो 3 से 4 दिन बाद हमें आना है, और आने के बाद फिर वो यहाँ पे खुद पहनाएंगे अपने हाथ से, अगर हम दिल्ली चले गए तो वहीं किसी सोनार से पहनवा दूँगी, नहीं तो मैं खुद घर में पहना दूँगी, उनका आप खुद घर में भी पहना सकते हो। सही है, इधर देखा हाथ पे रख दो बेटा, गिरा मत देना बेटा, लाओ मुझे दो, अच्छी है, ला सही है, चलो चलो पहने दो, मम्मा पहनाएगी। अनाय के कान छिदवा दिए हैं हमने, ईयर पियर्सिंग हो गई है, साथ में उसके कान के लिए छोटी छोटी बालियां ली हैं, आपको घर जाके दिखाऊंगी। इधर अनाय खा रही है गोलगप्पे, इधर कुछ काम है तो पापा और ये गए हैं शॉप पे, कुछ लेना था मोबाइल वोबाइल का, और कह रही है मुझे गोलगप्पे खाने आइसक्रीम, तो बोली कि मेरा इधर कब ठीक होता, बोले आधे घंटे, मैंने कहा आधे घंटे में आप आइसक्रीम खाओगी तब तक ठीक हो जाएगा। तो गोलगप्पे खा के हम आए घर, घर के पास शॉप थी वहाँ से हमने आइसक्रीम ले ली, और ये तो घर में आते ही अनाय अपनी आइसक्रीम खाना शुरू हो गई है, ये और डुगू। अबे
जैसे मान लो कोई आपका ब्लॉग देख के कान छिदवाए तो आप उसे क्या कहोगे? दर्द तो नहीं होगा? दर्द तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। दो चार दिन तक उसको टच मत करना, उसके बाद ना एक बैंड रहेगी ना, उसके बाद जो भी करना हो करेगा, टूटेगा ही नहीं। अच्छा, और तुम बता, तुम बता हैं? मजा आ गया। ये लग गया है रात का खाना, पकोड़े, करेले, भरमा, भिंडी, मिक्स दाल, दाल मखनी, रोटी, चावल, और यह अनाया और डुगू बैठ के बड़े आराम से खा रहे हैं खाना। अब दर्द तो नहीं हो रहा? ये तो देखो नहीं है, मुंह दिखा अपना। मेरी मम्मा ने गजब खाना बनाया है। क्या क्या? गजब गजब खाना। कान दिखाओ अपना। ये है अनाया की बालियां जो हमने ली हैं के नानू ने और नानी ने दिलाई हैं। वो तो इयररिंग्स वगैरह बहुत कुछ था लेकिन बाली भी थी जिसमें डिज़ाइन थी, लेकिन वो इसलिए समझ में नहीं आई, स्कूल जाएगी ना तो परमानेंट के लिए यही सही है, नहीं तो फिर हम टॉप्स वगैरह भी ले रहे थे, फिर थोड़े बड़े थे टॉप्स एकदम वैसे नग वाले, तो हमने ये ले ली। और ये बाली किसने दिलाई? हाँ, तो अब ये वाले पहनाए गए हैं कान में ताकि कान पके नहीं, क्योंकि इससे कान पकते नहीं, अगर गोल्ड का पहना दो तो कहते हैं कान पक जाते हैं, तो ये कोई होता है जिससे कान नहीं पकते, तो यही सुनार के पास कह रहे हैं 3 से 4 दिन बाद आप आना तो ये वाली फिर वो कान में डाल देगा, लेकिन हम यहाँ रहेंगे नहीं तो हम दिल्ली में जाके डलवा लेंगे किसी सुनार से। ये अनाया के ईयर पियरिंग हो गया है, कान छिदवा दिए हैं हमने, उससे बैठी कह रही मुझे ब्लॉग बनाना है, तो नानू नानी ने गिफ्ट दिया है अनाया को, अनाया कह रही कान छिदवा दिए हैं, वो जो दिया है कान में पहनने वाला गिफ्ट दिया, कितना सुंदर, आपको फेवरेट। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अनाया देखा था थोड़ा रोई थी, ज़्यादा नहीं रोई थी। अनाया सब बच्चों से क्या कहोगे जो जिसके जो कान छिदाना, मतलब जिसके मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरे बच्चा कान छिदा, डरते हैं, उनको बताओ कुछ। अभी मैंने इस पे सरसों का तेल और हल्दी लगाया है। तो बस इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा वो चलो बस भूत ना ले देख रही है राधे राधे, मेरी मम्मा बता नहीं भूत तो दिमाग से कुछ बोलती ये नहीं है, मेरी लोगों को कहती मेरी ब्लॉग खराब कर देगी। तो इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ओके लिख दो कमेंट पे। राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे बाय बाय।